السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال عز من قائل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. برادران الإسلام، दीनी और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, बाप और बुजुर्गो, अजीज बच्चों, आपके इस प्रोग्राम में इससे पहले एक बार आने का मौका मिला था और अब ये रमज़ान की बाबरकत रातों की मुनासिबत पर जो रातें इबादत के लिए हैं, इबादत के एक जुज के तौर पर इस मजलिस को इस कुरान करीम की आयात की तशरीह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तफसीर और तौजीह और इसी तरह से उम्मत के सलफ़ सालिहीन सहाबा ताबईन तबे ताबईन की सीरत को पढ़कर इन तमाम चीज़ों से नसीहत और इबरत हासिल करने के लिए और किताब सुन्नत और सीरत सलफ का इल्म हासिल करने के लिए आपके सामने हाजिर होने का मौका मिला है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस इल्म को इस रात की इबादतों का हिस्सा बना दे और अल्लाह तबारक व तआला इल्म के हुसूल की इबादत को जो सारी नफली इबादतों से ऊंचा दर्जा रखता है, इल्म का हुसूल कुरान करीम का, अल्लाह के नबी की सुन्नत का, सहाबे किराम की सीरत का, मनहज सलफ सालिहीन का, उनके रास्ते का इल्म, ये तमाम नफली इबादतों से ऊंचा दर्जा। इसीलिए इन रातों में जो कद्र की रातें बल्कि ताक रातें कहलाती हैं, कद्र की रात कोई इनमें से एक होगी अल्लाह जानता है, अल्लाह ताला हम सबको उसकी तौफीक से बहराबर होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन रब्बल आलमीन। ये रातें इबादत के लिए हैं और हमारे बाज़ भाई कभी कभी नासमझे में इतराज़ भी करते हैं कि इन रातों को इबादत के लिए छोड़ देना चाहिए, लोग क़याम करें, लोग नवाफिल पढ़ें, लोग कुरान की तिलावत करें, लोग तस्बीहात करें, अज़कार करें, दुआएं करें, इस्तिग़फ़ार करें वगैरह। तो इन रातों में आखिर ये आधा घंटा, एक घंटा या उससे कम ज़्यादा क्यों ये मजलिस दर्स की मुनक़िद कर ली जाती है, ये दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। तो ये असल में थोड़ा सा मामूली सा मसला है, समझने का मामूली सा मसला है और बहुत ही वाज़ह है, इसमें कोई पेचीदगी नहीं, कोई उलझन नहीं। वो ये है कि रातें जो भी हैं, ये पांच रातें, ताक रातें या दस, जहां इबादत करते हैं बहुत सारे हमारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह और ज़्यादा इबादत और ज़्यादा फजीलत और ज़्यादा नेकी हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इबादतें जो भी इन रातों में की जा रही हैं उनकी हैसियत सुन्नत की है, नफल की है, इनकी हैसियत सुन्नत की है, नफल की है। अगर मिसाल के तौर पर कोई शख्स नहीं जागता है तो वो फजीलत से जरूर महरूम हो रहा है, अजर से जरूर महरूम हो रहा है, एक कीमती वक्त को जरूर जाये कर रहा है, लेकिन कोई वाजिब और फर्ज नहीं छोड़ रहा है। तो अब ये हैसियत इबादत की है इन रातों में। अब खास तौर पर समझना ये है कि इल्म की मजलिस ये इबादत है, इल्म हुजूर इल्म इबादत है, इल्म की मजलिस इबादत की मजलिस है। आदमी जब तक इल्म हासिल करने के लिए बैठा रहता है तब तक अल्लाह तबारक व तआला की फरिश्ते रहमत की मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं, अल्लाह मगफिर लहू, अल्लाह मरहमहू, अल्लाह इसे बख्श दे, इस पर रहम फरमा, इसे बख्श दे, इस पर रहम फरमा। और ये मजलिस ऐसी मजलिस होती है, इतनी ज्यादा बाबरकत मजलिस होती है कि अगर कोई आदमी शुरू से मजलिस में ना बैठा हो, अखीर के पांच मिनट में आकर के बैठ जाए, दस मिनट में आकर के बैठ जाए, कहीं मशगूल था और गुजरता हुआ आया, देखा मजलिस लगी हुई है, कहाँ बैठ जाते हैं, देखे क्या बात हो रही, हो सकता कोई बात खैर की भलाई की मिल जाए, तो पांच दस मिनट के लिए आकर के बैठ गया, पीछे पीछे आकर के बिल्कुल बैठ गया। अल्लाह के नबी सल्लम फरमाते हैं ये ऐसी मजलिस है इल्म की कि इसमें लास्ट में आकर के बैठ जाने वाला भी महरूम नहीं होता है। जो फजीलत रहमत की मकफरत की अल्लाह पूरी मजलिस को अता फरमाता है, ये फजीलत उसे भी अल्लाह तबारक अता फरमाता है।
और मजलिस जब बर्खास्त होती है, अल्लाह के कलाम की आयात को हम समझते हैं, पढ़ते हैं, उसे इबरत हासिल करते हैं, अल्लाह के नबी की हदीसों से हमें सबक हासिल करते हैं, अपनी जिंदगियों में ईमान की अकीदे की इस्लाह करते हैं, इबादात की इस्लाह करते हैं, अखलाक सुधारते हैं, रवैया अपना सही करते हैं, जिंदगी के कारोबार के मामलात में ऊंच नीच है इंसान की जिंदगी में उसकी इस्लाह कर किसी भी हैसियत से फायदा उठाता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गो, इस मजलिस के खत्म होने के बाद, बर्खास्त होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ऐलान करते हैं, कूमू मग़फूरन लकुम, अब तुम उठ के जा रहे हो, मजलिस खत्म हो चुकी है, जाओ खाली हाथ नहीं जा रहे हो, अल्लाह तआला ने तुम्हारी बख्शिश करवा दी है। तो मग़फिरत का, बख्शिश का परवाना लेकर जाता है जो भी इस मजलिस में आता है। सही मुस्लिम मुबारक की रिवायत है, कोई इसमें ऐसा भी इश्काल नहीं है कि सही है ज़ईफ है, उस गलत चीज है। तो कहने का मतलब यह है कि ये इश्काल की शुबा ज़हन से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस रात में जो इबादतें हैं, कुरान की तिलावत है, लेकिन नवाफिल है, तस्बीहात है, दुआएं हैं, अस्कार है, इस्तिगफार है, इन सारी इबादतों के बीच में एक इबादत हम हुसूल इल्म की भी शामिल कर रहे हैं, और ये किताब सुन्नत के बेशुमार दलाइल से चीज साबित है कि इल्म हासिल करना बहुत बड़ी इबादत है। अगर इल्म का हासिल करना, इल्म के हुसूल की मजलिस में बैठना अगर इबादत ना होता तो अल्लाह की तरफ से फरिश्ते रहमत की मगफरत की दुआ फरमाते नहीं? फरमाते। साइंस सीखने के लिए बैठा हुआ है, कोई ज्योग्राफी सीखने के लिए बैठा, उसके लिए अल्लाह के फरिश्ते रहमत की दुआ करेंगे? नहीं करेंगे। ये अल्लाह की किताब का इल्म है, वही जिस किताब से इबादत सीखते हैं, जिस किताब से जिक्र अज़कार करेंगे, जिस किताब के पढ़ने पर एक हर्फ पर दसने की मिलती है, तो उसकी अगर मजलिस में बैठकर उसको हम तफहीम करेंगे, तफसीर करेंगे, समझेंगे, उसके जरिए नसीहत करेंगे, तो आप बताइए कितना गुना सवाब बढ़ जाएगा। तो एक बात तो एक आम बात होगी, फिर एक खास बात मैं आपसे आज करना चाहता हूं, वो ये है कि अगर ये तो इतनी सी बात हो गई ना, जो सारी इबादतें हैं उन्हीं इबादत के अंदर एक इबादत थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे पौने घंटे के लिए इल्म हासिल करने की इबादत हुई, अजर व सवाब के लिए सराहते हम कर रहे हैं, ये तो आम जैसे सारी इबादतें वैसे इसको भी हम शामिल कर, इससे बढ़कर के एक नुकता समझने का है, वो ये है कि अगर हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारी अपनी जात में, हमारे अपने भाइयों में, पड़ोसियों में अगर अकीदे का कहीं इन्हराफ पाया जाता है ना, अकीदे में इन्हराफ, तौहीद में कहीं खलल है, कमी है, बेशी है, इल्म की कमजोरी की वजह से या माहौल की वजह से, किसी भी वजह से, सुन्नत में कोई मुश्किल है, सुन्नत की जो अहमियत, जो मकाम थे इंसान की जिंदगी में होना चाहिए, कहीं कोताही पाई जा रही है, बिदात ने कहीं हमला कर दिया है, कहीं शिर्क ने डेरा डाल दिया है, कहीं कोई मनहजी और फिक्री बिगाड़ है, कहीं कोई इन्हराफ है, अगर इस तरह का माहौल है कहीं भी, तो उनकी इस्लाह करना जायज नहीं है, बल्कि क्या है, फर्ज और वाजिब है। तो हमारा कौन सा समाज है, मुल्क अजीज, वतन अजीज हिंदुस्तान का, जिस समाज के अंदर अकीदे का इन्हराफ नहीं, अमल का इन्हराफ नहीं, अखलाक का इन्हराफ नहीं, सुलूक का इन्हराफ नहीं, कारोबारी मामलात के अंदर गड़बड़ियां नहीं, या और भी इंसान की जिंदगी में कितनी कोताहियां कमियां हमारे अंदर पाई जाती है कि, तो अगर इसकी इस्लाह के लिए एक मौका मिल रहा हो कि भाई इबादत के लोग जमा होते, नफली इबादत के लिए जमा होते, एक फर्ज काम कर लेते हैं 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे एक घंटे के लिए, तो ऐसी मजलिसों से फायदा उठा करके थोड़ी देर, आधा घंटा, एक घंटा, रात अगर मिसाल के तौर पर रात अगर हमको 5 घंटे की इबादत मिल रही है, 6 घंटे की इबादत का मौका मिल रहा है किसी भी रात में, तो अगर उसमें हम 1 घंटा ले लेते हैं इल्म हासिल करने के लिए और खालिस तौहीद बताने के लिए, खालिस सुन्नत बताने के लिए, खालिस मनहज सिखाने के लिए, तो ये वाजिब है, फर्ज है। अब वो कैसे, सऊदी अरब में तो नहीं होता, तो सऊदी अरब में ये इन्हराफ ही कहां है, जो इन्हराफ, जो बदअकीदगी, जो बदअमली जो यहां पाई जाती है, क्या वो हरमैन शरीफैन के अंदर मौजूद है, क्या मामला का सऊदी अरब के अंदर मौजूद, उनके यहां अमली कोताहियां बिल्कुल हैं, लेकिन अकीदे का इन्हराफ आपको किसी तरह से वहां नहीं मिलेगा। सुन्नत के लिए वो जान देने के लिए तैयार रहे, एक सुन्नत आती है उनके सामने तो वो बरसों का महल जो होता है ना उनके पास, अगर सुन्नत आ गई तो उसको एक झटके में ढा देते हैं, सुन्नत के मुकाबले में कुछ नहीं समझते हैं। तो कहने का मतलब ये कि वो समाज अलग है, ये समाज अलग है, वो कल्चर अलग है, वो जमीन अलग है, ये ग्राउंड अलग है, इसलिए हमें समझने की जरूरत है। अब अहद रसालत को नहीं होता, अहद रसालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इल्म की मजलिसों की अहमियत कितनी बताई गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में नहीं दर्श देते थे, ठीक है, अगर नहीं देते थे तब भी हम कहते हैं ठीक है नहीं देते थे, लेकिन सवाल है कि क्या वो तकाजा मौजूद था, तो यहाँ तकाजा मौजूद है, जो तकाजा यहाँ मौजूद वहां नहीं था, अगर तकाजा मौजूद होता तो क्या कोई उम्मत का फर्द इस बात को मानने से इनकार कर सकता है कि नबी देर कर सकते थे अकीदे की इस्लाह करने में, नबी किसी बिदअत को खत्म करने के लिए ताखीर कर सकते थे,
किसी सुन्नत को समझाने के लिए ताकीद कर सकते थे? कोई नहीं सकता है कि नबी ईसा को सलाम दे रहे, तो आप फौरन उस चीज को करते ही। और इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं भी कोई भी कमी पेशी पाई तो अल्लाह के नबी फौरन काफीना खतीब इंसाफा कहते हैं, अल्लाह के नबी हमारे बीच में एक खिताब करने के लिए, हमको मुखातब करने के लिए खड़े हो गए और आपने समझाया अय्युन्नास ऐ लोगों ऐसा ऐसा मसला है, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? तो कहने मतलब यहाँ शुमार ही होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। एक आम हैसियत से इल्म हासिल करना इबादत का हिस्सा, इसमें कोई शक नहीं। और जहां अकीदे की अमल की है ना इस्लाह करने का मौका हो, जो वाजिब और फर्ज है, तो वो तो ऐसे भी नफल से बढ़ करके हराम में बेहतर है कि नहीं? तो ये बहुत अहम चीज है। खैर, आज के लिए जो सुनवान का इंतखाब किया गया है वो उनवान है फितनों के दौर में साबित कदमी, फितनों के दौर में दीन पर अल्लाह ताला के अल्लाह की किताब पर नबी की सुन्नत पर कैसे अपने आप को कायम रखें। ये बहुत बड़ा मसला है और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले यही जानना है कैसे साबित कदम कैसे रहे अल्लाह के दीन पर। बड़े फितने, बड़ी आजमाइशें, बड़ी मुश्किलात हैं, यहां से अकीदे के खतरे में हमला हो रहा है, यहां से इबादात पर हमले हो रहे हैं, यहां पर मुकद्दसात पर हमले हो रहे हैं, यहां माल का फितना घेरे हुए है, यहां से औलाद का फितना घेरे हुए है, यहां से औरत के औरतों का फितना है, ये सब बेहयाई का बेपर्दगी का घेरे हुए है। आखिर कैसे अपने ईमान को बचा करके, कैसे अपनी इस्लाह करके, कैसे अपने आप को किसी तरह से सेफ रखें हम फितनों में, कैसे अपने आप को अल्लाह के असली वाले दीन पर, इसमें अकीदे का इहराफ ना हो, इबादात का खलल ना हो, अखलाक की बुराई ना हो, माल का फितना ना हो, औलाद का फितना ना हो, है ना, जदीद दौर के फितने ना हो, मीडिया का फितना ना हो, इन फितनों से बचा करके आप असल वाले दीन पर कैसे अपने आप को जमाएं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहला काम क्या मालूम है? सबसे पहला काम यह कि हम ये जाने कि वाकई फितने हैं। अगर हम मुतमईन बैठ रहे हैं कोई फितना नहीं है, कोई हमला नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई भेड़िया नहीं, कोई शेर नहीं, कुछ नहीं, तो फिर हम बेखौफ रहेंगे कि नहीं? बेखौफ रहेंगे, बेखौफ रहेंगे। लेकिन अगर हम जाने कि हाँ नहीं है मामला, कांटे हैं, खार हैं, झाड़ियां हैं, जंगलात हैं, फितने हैं, भेड़िया है, हमला कर सकता है हम पर, झपट सकता हमारे ऊपर, है ना, शेर है, चीता है, तो आदमी अलर्ट रहेगा कि नहीं अलर्ट रहेगा, कैसे करना है? तो पहले यही जानना जरूरी है कि फितने हैं और फितनों का इल्म हो जाने के बाद ही हम अपने आप को उन फितनों से बच बचा करके अल्लाह के असली दीन पर अपने आप को जमा सकेंगे। उतना उसके अलावा हमारे लिए है ना साबित कदम रहना बहुत मुश्किल है। कुछ बातें इंशाल्लाह तबारक तआला चंद पॉइंट्स में मैं आपके सामने रखूंगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला मुझे खुद सबसे पहले इन बातों पर, कहने वाले को सबसे पहले इन बातों पर अमल करने की तौफीक बख्शे और भी तमाम अपने अहबाब को, भाइयों को, बुजुर्गों को, अजीजों को, सभी लोगों को अल्लाह तबारक तआला, बहनों को, माओं को, सभी लोगों को अल्लाह तबारक तआला अल्लाह के कलाम की आयात से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, सलफ सालिहीन की सीरत से सबक, नसीहत, इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और इन बातों के जरिए से अल्लाह तबारक तआला हमें फितनों के इस दौर में, इस गए गुजरे दौर में असल दीन पर किसी तरह से मजबूती से कायम रहने की तौफीक। आमीन रब्बिल आलमीन। यह है सबसे अहम मसला। अब जो फितने हैं वो फितने बहुत सारे हैं और हमें फितनों पर ज्यादा वक्त नहीं लगाना है कि फितने कौन कौन से हैं, क्योंकि फिर अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है नहीं कि फिर उसमें बहुत सारा वक्त चला जाएगा फितने कैसे कैसे। लेकिन सिर्फ इशारा और सरसरी तौर पर हमने नाम आपके सामने ले लिया कि माल के फितने हैं और आदमी साहब माल का फितना आप ले लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर उम्मत का कोई ना कोई फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना माल है, यानी मेरी उम्मत सबसे ज्यादा माल ही की वजह से इधर बहकेगी, उधर बहकेगी, इधर गुमराह होगी, इधर हराम करेगी, इधर दो नंबर करेगी, इधर सूद देगी, इधर रिश्वत करेगी, इधर जायज नाजायज के चक्कर में तमीज करके माल के पीछे बच जाए। यानी इस उम्मत का फितना क्या है? माल है। और आपने फरमाया था सयाति अलन्नासि ज़मानुन ला युबालि अल-मक़ूबि अयन अख़ज़ल माल हल अख़ज़हु मिन हलालिन अम अख़ज़हु मिन हराम। सही बुखारी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक वक्त मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा जब आदमी इस बात की परवाह छोड़ देगा कि माल वो कहां से कमा रहा है, हलाल से कमा रहा है कि हराम से कमा रहा है, उसे फिक्र इस बात की होगी कि माल कहां, माल कमाए, ये आमदनी होनी चाहिए, इनकम हो, माल कमाए, बैलेंस हो, प्रॉपर्टियां बने, इसकी फिक्र नहीं करेगा कि आने का रास्ता हलाल का है या हराम।
बड़ा खतरनाक फैसला है। अब आज मिसाल के तौर पर माल का फितना है, मैं आपको बताऊं माल का फितना है समझने के लिए सबसे ज्यादा आसान यही है, और भी सारे मसाइल आसान है समझना हम चाहें तो। तो पहला माल का फितना आप देखें, जैसे आज बैंकिंग का निजाम, पेमेंट का निजाम, बिजनेस कारोबार है ना, एक अजीबोगरीब सिस्टम उसका बन चुका है कि बिल्कुल सिमट चुका है। ऑनलाइन सिस्टम बना हुआ है, डिलीवरी होती है, सामान आते हैं जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, पैसे यहां से वहां जाते हैं। आपको बैंक वाले सुबह शाम फोन कर करके मैसेज भेज भेज करके आपको नए नए है ना पैसे बढ़ाने के लिए आपको स्कीमें बताते हैं, है ना, इसके अंदर इतना सालाना इतना मिलेगा, इसमें सालाना इतना मिलेगा, इसमें इतना मिलेगा, इतना जमा कर दो, इतना बहुत कम जमा करना है ना, महीने का 5% सिर्फ जमा करना है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको इतना इतना सालाना मिलेगा। ये सुबह शाम चलता रहता है। उसके अलावा आज सब पेमेंट के जो नए नए ऐप्स वगैरह आए हुए हैं ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, उसमें कोई कैशबैक दे रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, और मिसाल के तौर पर आप देखिए कि ऑफर मिलता है, आप ये खरीदेंगे तो आपको इसके साथ ये फ्री मिल जाएगा, आप ये खरीदेंगे तो आपको ये फ्री मिल जाएगा। आप ये मोबाइल वाला कहता है कि आप अगर इतने का रिचार्ज करेंगे तो आपको 2 घंटा मिसाल के तौर पर ये फिल्म देखने को मिलेगा, वीडियो देखने को मिलेगा। कितना बड़ा कितना माल का मेरे भाई, आदमी सोचेगा कि नहीं सोचेगा, कितना परसेंट लोग हैं जो इतना मजबूत है माल के फितने के एतबार से कि उन पर कोई हलाल और हराम की तमीज का मामला गड़बड़ नहीं होगा। कितने परसेंट लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस उम्मत का फितना ही माल है, तो आप बताइए कितने लोग बच पाएंगे इससे। यहां आज तो कारोबार बन चुका है, लोगों ने कारोबार बना लिया है। आप कहें आप से बाकायदा ऑफर करते हैं, आपको कुछ खरीदना होगा तो मुझे बताना, मैंने लॉग इन कर लिया है, मैंने रजिस्टर कर लिया है, मैंने इस एप्लीकेशन से और खूब पैसा कमाऊ, खेलता भी हूं, पैसे भी कमाता हूं। आप लोग आइए, मैं बुक करूंगा अपने, और आपको इतना डिस्काउंट भी मिलेगा और मुझे भी फायदा मिलेगा। यही कारोबार बन गया। एक आदमी टिकट मेरे पास ईवीएम मशीन पर बैठ करके तीन परसेंट गवर्नमेंट ने डिस्काउंट दिया हुआ है। अब आदमी दिन भर अगर बैठ करके 10,000-15,000 रुपए का अगर टिकट बुक कर देगा तो 3 रुपए के हिसाब से कितना रुपया मिल जाएगा उसे। तो इस तरह का कारोबार इसमें चल रहा है, और आदमी ये नहीं सोच रहा है कि भाई ये पैसा कहां से आ रहा है। क्रेडिट कार्ड का मसला है मिसाल के तौर पर, सुबह शाम आपको ऑफर करते हैं, आपके आपको आपका सालाना आपका मिसाल के तौर पर आपके कार्ड पर 50,000 रुपए था, आपको आपके लिए बढ़ा के 1,00,000 रुपया कर दी गई है। अब आप जो है खाली पेट्रोल नहीं भरा सकते हैं, ऑनलाइन नहीं सिर्फ खरीदारी कर सकते बल्कि आप कैश भी निकाल सकते हैं। आदमी लालच में आता है, आदमी लालच में। हम ये नहीं जानते हैं कि इसका इसकी पीछे पूरी दुनिया क्या है, कौन इसको चला रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसमें क्या हलाल है, इसमें क्या हम मतलब नहीं रखते। हम इससे मतलब रखते हैं कि इस वक्त हम स्वाइप कर रहे हैं तो हमको क्या फायदा मिल रहा है, कार्ड यूज कर रहे हैं हमको क्या फायदा मिल रहा है, इतना कैश भी मिल रहा है 10 रुपया मिला अल्हम्दुलिल्लाह, 1,000 रुपया का हमने खरीदारी की 100 रुपया मिल गया बहुत मिल गया। अब इसी चक्कर में बच्चे नौजवान और बहुत सारे लोग लगे हुए, बहनें हमारी लगी हुई। अब आप खाली एक मिसाल समझे, मतलब जो सुबह शाम का मसला है, पर सेकंड पर मिनट का मसला है, हमारा नौजवान लगा हुआ है, हमारा भाई लगा हुआ है, हमारी बहनें लगी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खरीदारी ऑनलाइन ना करें, हराम है, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि आप देखिए माल के पीछे आदमी भाग रहा है, यानी इस चक्कर में कि इससे 10 रुपया ही अगर आएगा तो कितना ज्यादा हो जाएगा, 2 रुपया मिलेगा तो क्या होगा। अब हम ये नहीं जानते कि पूरा निजाम कौन चला रहा है। आपको कोई फ्री में कोई चीज देता है? दुनिया में कोई किसी को फ्री में नहीं देता है मेरे भाई। इसलिए आप क्यों नहीं सोचते हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ा आलमी निजाम बैंकिंग का चल रहा है जो यहूदियों के हाथ में है। तो वो लोग क्या हैंडल कर रहे हैं, कैसे आपको दे रहे हैं। आपने 1,000 रुपए का सामान खरीदा, अगर वो सामान डिस्काउंट करना ही है तो 950 रुपए में दे पहले, क्या परेशानी की बात है उसके अंदर। क्यों 1,000 रुपया ले लेता है 2 दिन के बाद, 1 घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद 50 रुपया बैंक आता है। वो इस 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट में वो 50 रुपए कहां कहां घूमता है, 1,000 रुपए कहां कहां जाता है, और उससे कौन कमा लेता है, कहां ट्रांजेक्शन हो जाता है, और कहां से घूम करके आपको 50 रुपया मिलता है। आपको 50 दिया उसके पीछे आपके पैसे से कितना कमाएगा कोई जानता है? ये सारे मसाइल हैं। एक मुसलमान को एकदम आजाद नहीं होना है कि बस वो आजाद है जैसे भी चाहे कमाए। ये हदीस अल्लाह की नबी आदमी इसकी परवाह नहीं करेगा कि कहां से कमा रहा है, खाली इस बात की परवाह करेगा कि माल आना चाहिए। तो बहुत बड़ा मसला है। तो आप समझ, अब आप सोचिए
आप बचना चाहते हैं इससे, मैं बचना चाहता हूं इससे, फला बचना चाहता है इससे, हम बचना चाहते हैं। ठीक, मसला ये कि ऐसी आजमाइश में घिर गया है बैंकिंग का निजाम। ठीक है, बहुत कुछ आप बच भी सकते हैं, ठीक है, नहीं इससे ताल्लुक रखूंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आप मजबूर भी। कितने ऐसे सामान हैं जो आपको ऑनलाइन ही खरीदना है, फला कार्ड से ही खरीदना है, दुकान पर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, आप दुकान से नहीं खरीद सकते। कितने ऐसे मोबाइल हैं जो आपको ही से, फला सामान आपको ही से मिलेगा, मार्केट से नहीं है, बिल्कुल ऑनलाइन से। क्यों आखिर मोल, आखिर वो हर जगह अगर आम कर देगा तो क्या पैसे नहीं कमाएगा, और ज्यादा कमाएगा और जल्दी सेल हो जाएगा उसका, लेकिन क्यों ऑनलाइन शर्त लगाता है, क्या राज है आखिर? कुछ तो मिल रहा होगा तभी तो ऐसा कर रहा है, पता क्यों ऐसा करता हो, और आपको ऑफर भी दे रहा है कि ऑनलाइन ही खरीदना, ऑनलाइन के लिए आपको मिलेगा ही और आपको 50 रुपया फायदा भी होगा। हम लालच में भाई, आप ऑनलाइन बुक करते हो हमारा कर दो, आप करते थे हमारा कर दो, हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, आप कर दीजिए। तो ये अजीबोगरीब है। अब हम बचना चाहते हैं तो कैसे बचे इस इतने से, मिसाल के तौर पर कैसे उस हलाल पर मजबूती से कायम रहें जिसमें कोई शुबहा ना हो, जिसमें कोई शुबहा ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, आपने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अकला दिरहम मिन रिबा व हुवा यअलम अशद्द मिन 36 ज़निया। जो शख्स एक रुपया, एक दिरहम कहा था अल्लाह के नबी ने चांदी का सिक्का, जो शख्स एक दिरहम सूद खाता हो और वो जानता हो कि ये सूद है, 36 मरतबा जिना करने से बचता रहे। एक रुपया यार मेरे भाई, एक दिरहम तो एक रुपया आप समझ लें, 100 रुपया समझ लें मिसाल के तौर पर, आप सोचिए कि कितना खतरनाक मसला है, इतना संगीन मसला है। तो अब इस तरह के हालात बन रहे हैं कि हम अगर कोई बचना भी चाहे तो नहीं बच पा रहे हैं, तो आखिर कैसे इस माल के फितने के दौर में अपने आप को दीन पर साबित कदम कैसे रखें, कौन सी चीजें सामने लाई जाएं, क्या जानें, क्या पढ़ें, क्या करें तो हम इससे बच पाएंगे, क्या करें तो हमारी लालच उस तरफ नहीं जाएगी, कैसा बनना होगा, क्या करना होगा। इस तरह से एक मिसाल है, ऐसे ही मामला हर तरफ है, ऐसे ही मामला हर तरफ है। आपको अकीदे की मिसाल देता हूं, अकीदा जो सबसे बुनियादी चीज, अकीदा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तौहीद सुन्नत पर चलने वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीस हैं हम, हमारा अकीदा है अल्लाह ताला के सिवा कोई नफा देने वाला नहीं, कोई जरर देने वाला नहीं, अल्लाह की किताब पर हमारा ईमान, नबी की सुन्नत पर हमारा ईमान, हम नबी की एक सुन्नत पर चलते हैं, उसकी तलाश करते हैं और उसके लिए मर जाने के लिए तैयार रहते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन नबी की सुन्नत से हट नहीं सकते, हमारा ईमान। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर बीमार हो जाए कोई आदमी, एक आदमी बीमार हो गया, मेडिकल इलाज करा लिया, मेडिकल साइंस का दवाई ववाई हो गई, चेकअप वेकअप सब हो गया, होने के बाद अब भी ठीक नहीं हो रहा है, आराम नहीं हो रहा है, आदमी सोचता है क्या वजह हो सकती है। कुछ लोगों से आदमी मिलता जुलता है, आदमी हर से पूछता है यार ऐसा मामला मेरे घर पे बताइए क्या करूं मैं, बहुत परेशान। अब आदमी अपना तजर्बा बयान करता है, एक काम करो दुआ करवा लो, हो सकता है कि जिन शैतान का मसला, ठीक है कोई बात नहीं, दुआ का मसला, अस्कार का मसला तो शुरू से ही होना चाहिए, ऐसा तो तरतीब तो कोई है नहीं, बोले दवाई का इलाज कराओ बाद में फिर दुआ करो, ऐसा तो कुछ है, दुआ हमेशा होनी चाहिए, दवा हमेशा होनी चाहिए। अल्लाह के नबी का हुक्म है तदाबू या इबादतुल्लाह, ए अल्लाह के बंदो दवा करवाओ, इलाज करवाओ, क्योंकि अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी है जिसका इलाज अल्लाह ने नहीं उतारा है, हर बीमारी का अल्लाह ने इलाज उतारा है। आली बहु मन अली बहु जहिर मन जहिर, हाँ ये और बात है ये सब नहीं जानते हैं, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता है वो नहीं जानता है, जब उसका वक्त आएगा तब वो दुनिया में डॉक्टर भी जान जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इलाज बहरहाल हर बीमारी का रखा है, हर बीमारी सिवाय बुढ़ापे की, अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्ल हरी, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं, उसी हदीस के अंदर आपने फरमाया सिवाय बुढ़ापे का, बुढ़ापा तब्दील नहीं हो सकता है लेकिन जो बीमारियां हैं वो क्या हो जाएंगी, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा तो उसका इलाज मौजूद है। अब मिसाल के तौर पर दवा भी हो गई, दवा भी दुआ भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लोग खुद पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल भी आजकल बहुत चल रहा है ना, बड़े बड़े हाफिज मौलवी लोग जो है इस काम के लिए फारिग हो गए हैं आजकल, ये भी एक अलमिया है अहले हदीस के लिए, जमात अहले हदीस के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि इसके अंदर भी बाबा पैदा हो रहे हैं, इसके अंदर भी दुआरी पैदा हो रहे हैं, इसके अंदर भी इलाज मुआलजे के नाम पर अपने आप को फुल्ली फ्री या पार्ट टाइम फ्री करके काम कर रहे हैं। इससे कतई नजर कि पैसा ले रहे हैं कि नहीं रहे हैं, पैसा ले रहे हैं तब भी नहीं ले रहे हैं, तब भी पैसा लेना बड़ा मसला नहीं है, इस काम की वजह से जो वहम पैदा होता है, हर आदमी सोचता है मेरा जो घर में, मेरे भी घर में फला बीमार है ठीक नहीं हो रहा, हो सकता है जादू का मसला, हो सकता है किसी ने कुछ करके खिला दिया,
हो सकता कोई आसेप का मसला हो। ये जो वहम है ना बदअकीदगी, ये सबसे खतरनाक मसला है। पैसा ले लिया ले लिया, वो तो एक छोटा मसला है मेरे भाई, फिर पूरे समाज के अंदर ये माहौल पैदा हो जा रहा है कि यार सही बात हो सकता है, ऐसे ही कुछ हो सकता है। दवा इलाज करा के थक गया, चेकअप करके थक गया, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को दिखा चुका, कोई इलाज नहीं हो रहा, हो सकता है जीत शैतान का मसला। अब भाग रहा है, रुक गया, दम करने वालों के पीछे, दम करने वालों के पीछे भाग रहा है। खैर तो ठीक है, यहां तक भी गनीमत है, कम से कम अगर सही अकीदे वकीदे वाले हैं तो हम थोड़ी देर के लिए माफ कर देते हैं। अरे इससे भी नहीं आराम हुआ, आप खुद पढ़ रहे नहीं आराम हो रहा है, प्रोफेशनल पढ़वा रहे पैसे देकर के, तभी नहीं आराम हो रहा है। अब आप सोच रहे क्या, तो देखो फितना अकीदे का, अकीदे का फितना। अब आप इससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं, कोई बताए कोई बताए कोई बताए, कुछ तो इलाज निकले इसका। अब आपको कोई मिल गया, किसी ने कहा कि भाई आप लोग तो नहीं मानते हैं, लेकिन एक बात तजर्बा करके देख लो। हम तो बहुत बात तजर्बा कर चुके हैं, पड़ोस में था कोई, ऑफिस के बगल में था, शॉप के बगल में था, है ना, मिलने जुलने वालों में से कोई था। कहा कि भाई आप लोग तो नहीं मानते हो कब्रों को, मजारों को, बाबाओं को, लेकिन ठीक है हमने तो बहुत बार तजर्बा किया, एक बार तजर्बा करके देख लेना, शायद हो सकता है वहीं से तुम्हारा काम हो जाए। हवा हवाई की बात नहीं है मेरे भाइयों, प्रैक्टिकल वाकयात मौजूद हैं। अहले हदीस खानदान घराना बरसों से, अरसे से, और दो दो तीन तीन पुश्त से अहले हदीस हैं और उलमा हैं सर। ऐसे घराने के लोग भी कब्रों और मजारों और बाबाओं को बुलाकर घर पे इलाज कराने लगे। अकीदे का कितना है कि नहीं कितना है, अब क्या बाकी बचा, इतना ही फर्क हुआ ना आप में हम में ऐसा करने वाले और जो मजारों पर ही जाते हैं, मजारों ही से उनका सारा काम होता है, उनका जो सोचना, इतना ही फर्क है कि वो पहले मरहले में चला गया और हम दूसरे तीसरे मरहले में, इतना ही मसला, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ईमान वैसा होता कि आप इस अकीदे के फितने से बचते तो आप इस फितने में नहीं पड़ते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो कौन से उसूल हैं जिसकी बुनियाद पर हम अपने आप को इन फितनों से बचा सकते। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं मेरे भाई, ऐसी बहुत सारी मिसालें हो चुकी हैं और हर पहलू की मिसालें, समाजी मिसालें आप ले सकते हैं, शादी ब्याह की, निकाह की, तलाक की मिसालें आप ले सकते हैं, कारोबार की मिसाल, आप बहुत सारे, कितने लोग ऐसे हैं कहते हैं ठीक है एकदम जानता हूं कि ये हराम है, लेकिन यार ऐसी बस सूरत आ गई है कि मुझे करना पड़ रहा है, इसके बाद मैं कभी करूंगा नहीं, इसके बाद तौबा करूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुनाह तौबे का आजम करके करते हैं। कितना बड़ा फितना शैतान की तरफ से, शैतान ये दिल में डाल रहा है, दिल में डाल रहा है, तौबा कर लेना, तौबा कर लेना, कोई बड़ा मसला नहीं, ठीक है गुनाह है, तू कतरार आगे पीछे हो रहा, लेकिन कर ले गुनाह, तौबा कर ले ना, तौबे से तो माफी हो जाता है। यहां भी बदकी की चुकी हुई, क्या जमानत है कि हम तौबा करने तक जिंदा भी रहें, और क्या जमानत है कि जो लालच दिला रहा है अभी कि तौबा कर लेना, जैसे काम ये होगा उसके बाद दूसरे काम में नहीं डाल देगा, हरा है कि नहीं। इतना अल्लाह इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह की बात मुझे याद आई, उन्होंने अपनी किताब मदारिजुस सालिकीन में लिखा है। मदारिजुस सालिकीन में अल्लाह इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, बड़ी वजाहत से लिखा है कि शैतान जो है वो इंसान को 7 घाटियों में से किसी एक घाटी में तलाश करता है। 7 घाटियों में से एक घाटी में तलाश करता है। सबसे पहले वो बंदे को शिर्क और कुफर की घाटी में तलाश करता है, यानी मेरे पीछे, आपके पीछे, आपके पीछे, हर छोटे बड़े सब के पीछे लगा रहता है, और सबसे पहली घाटी जो था जहां ढूंढता वो क्या है, किसी तरह किसका ईमान और अकीदा खराब कर दे। अब पता नहीं हम लोग या हमें से कुछ मुसलमान कहलाने वाले न जानते हो इसको, न जानते हो कि अकीदा बिगड़ जाने के बाद सारी नमाजें, सारे रोजे, सारी इबादतें क्या हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगे। शायद कुछ लोग ना जानते हो, लेकिन शैतान खूब अच्छी तरह से जानता है कि अगर अकीदा इसका मैंने बिगाड़ दिया तो फिर सज्दा करते रहे, नमाजें पढ़ता रहे, सज्दा रुकू करता रहे, नमाज रोजे रखता रहे, ज़कात देता रहे, हज उमरे के लिए सुबह शाम हर साल जाता रहे, तो इसका अकीदा बिगड़ चुका रहेगा, तो उसकी इबादतें अल्लाह तबारक व तआला दूर की तरफ जाती है। उसको मालूम इसलिए कहां तलाश करता है, शिर्क और कुफ्र की घाटी में तलाश करता है, किसी तरह से लाता है। याद रखो किसी को मस्जिद से उठाकर सीधे मंदिर में शैतान नहीं बिठाता, रफ्ता 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 धीरे 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 वहां तक लेकर के जाता है। तो हमें बात बहुत बारीकी से इसको समझने की जरूरत है। तो शैतान कहां तलाश करता है, कुफ्र और शिर्क की घाटी में।
अगर कुफ्र शिर्क में उसको डालने की कोशिश करने के बावजूद अगर कामयाब नहीं होता है तो एक स्टेप नीचे उतर जाता है कि यहां तलाश करता हूं, यहां कोशिश करता, अगर यहां कामयाब हो गया तो उसके बाद फिर ऊपर वाला तो शिर्क कुफ्र का ही काम करा दूंगा। कहां नीचे उतरता है? बिदअत करवाने की कोशिश करता है, बिदअत कराने की कोशिश करता है कि बिदअत करेगा तो बिदअत के बाद अगला स्टेप क्या होगा? शिर्क होगा। उम्मत के उलमा लिखते हैं अल बिदअतु बरीदुल कुफ्र, बिदअत ये कुफ्र की डाक है। बिदअत क्या है? कुफ्र की डाक है। तो शैतान नीचे उतरता बिदअत, यहां वहां कहीं ना किसी बिदात में डाल देती कोशिश करता, लगा रहता है। अगर देखता है कि नहीं ये बंदा मजबूत है ईमान का, न शिर्क करने को तैयार है न बिदात करने को तैयार, तो और थोड़ा नीचे उतरता है, कबीरा गुनाहों में डालने की कोशिश करता है। कबीरा गुनाह तो फिर तो रास्ता वसी हो जाता है, दायरा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कबीरा गुनाह में जिना है, चोरी है ना, डकैती है, शराब है, नशा है, बदकारी है, मुख्तलिफ काम है मेरे भाई, बहुत सारे काम है, सूद है, रिश्वत है, खयानत है, गबन है, विष है, खिदा है, बहुत सारी चीजें। इब्ने अब्बास रहमतुल्लाह से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से गालिबन पूछा गया था कि बताइए कि क्या कबीरा गुनाह सात है? क्या कबीरा गुनाह सात है? तो उन्होंने कहा सात कह रहे हो, 700 के करीब होंगे। हुआ इला ही इला असब अहमियत अकरब, सात के चक्कर में पड़े हुए हो, 700 के ज्यादा करीब है, तो दायरा वसी हो जाता। तो अब इंसान को तो कहीं ना कहीं तो डालने में आसानी हो जाती है, किसी ना किसी गुनाह कबीरा में डाल कुछ नहीं। सबसे बड़ा गुनाह कबीरा क्या है? अगर शिर्क और कुफर नहीं माने कोई, जैसे उलमा का इख्तलाफ, नमाज छुड़वा दो, नमाज में गफलत, फर्ज नमाज में गफलत नहीं, धीरे धीरे सुन्नतें छूट रही है, सीधे जमात खड़ी हो रही है तब ये पहुंच रहा है, एक रकात चली जा रही तब ये पहुंच रहा है, कभी दो रकात चली जा रही तब ये पहुंच रहा है, धीरे 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 क्या होगा, फला नमाज चाहिए, उसके बाद फिर दूसरी नमाज, उसमें भी धीरे धीरे कोताही, तीसरी नमाज धीरे धीरे कोताही, उसके बाद उनका दिल नहीं लग रहा नमाज के अंदर, सब बोल रहे हैं, सब समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि शैतान ने उसके दिल में उस नमाज की छोड़ने की का की जो नफरत थी, जो घिन और दिल जो कट्टर था कि नमाज मेरी छूट रही, वो कैफियत क्या हो गई दिल से, उसको निकाल चुका है। अब वो हल्का लगता है उसको, अरे पढ़ लूंगा कोई बात नहीं। कितने कितने क्या कहते हैं, कहते हैं यार ठीक है नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, लेट कर रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या सब जहन्नम में जाएंगे? बहुत सारे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इससे शैतान तसल्ली दे देता है उसको कि अगर तू नहीं पढ़ रहा तो कौन सी बड़ी बात है, जैसे हजारों लाखों लोग नहीं पढ़ रहे हैं। कितने लोग पढ़ रहे हैं? चंद लोग तो पढ़ रहे हैं, मस्जिदें ज्यादा हैं कि जगह दुनिया में जो जमीन है उस जमीन के अंदर मस्जिदों का एरिया ज्यादा है कि नॉन मस्जिदों का एरिया ज्यादा है? नमाज पढ़ने वाले ज्यादा है कि बेनमाजी ज्यादा है? घर की बेनमाजी ज्यादा है। शैतान कहता है कोई बात नहीं, सभी बेनमाजी। इस तरह से जहन में क्या करता है, हल्का करता है। मिसाल के तौर पर अब कबीरा गुनाह में तलाश करता है, कबीरा गुनाह में कामयाब हो गया, कबीरा गुनाह करवा दिया, तो अब धीरे धीरे उसको बिदअत की तरफ लेकर के जाता है, फिर बिदअत की उम्र को शिर्क में लेकर के जाता है। लेकिन अगर नहीं कामयाब हुआ और नीचे उतरता है, ठीक है छोटा गुनाह देखते हैं, छोटा गुनाह करेगा, गुनाहे सगीरा करेगा, गुनाहे सगीरा कोई ना कोई, अब तो दायरा और ज्यादा बढ़ जाता है, गुनाहे कबीरा सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते इंसान करते रहता है, तो गुनाहे सगीरा मुब्तला करता है, एक गुनाह में, दो गुनाह में, तीन गुनाह में, अब गुनाहों से धीरे धीरे उनसियत और लगाव बढ़ने लगता है। जब उसकी उसकी कराहत नफरत जब कम होती है तो छोटे गुनाह के बाद अगले मरहले में बड़े गुनाह की तरफ भी जाना आसान हो जाता है कि इस तरह शैतान करता है। अगर यहां कामयाब होता है तो फिर ऊपर की तरफ धीरे धीरे कबीरा बिदअत कुफ्र तक ले करके जाता है, और अगर नहीं कामयाब होता है तो अब जायज, अब जो है ना सगीरा गुनाहों के बाद और नीचे उतरता है, बहुत पुख्ता है, कहता है बहुत पुख्ता मुसलमान है ये, तो बिल्कुल गुनाहों से बहुत नफरत है, छोटा गुनाह करने को भी तैयार नहीं किसी भी तरह, इतना बरगलाया, इतना बहकाया, इतना बहकाया, देखिए मानने को तैयार नहीं है, और नीचे उतरता हूं। ठीक है, जायज काम को तो जायज समझ के करेगा कि नहीं करेगा? जायज तो जायज है, हलाल तो हलाल है, लेकिन अगर जायज भी काम अगर हम दायरे से ज्यादा करना शुरू कर दें तो वो कहीं ना कहीं हमारी इबादत को मुतासिर करता। खाना हलाल है कि नहीं हलाल? हलाल खाना तो हलाल है, हम उसको दो टाइम खाएं, तीन टाइम खाएं, चार टाइम खाएं, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल है, बिस्मिल्लाह करें और खाएं। लेकिन अगर खाना ज्यादा हो जाए तो नमाज में गफलत होती है कि नहीं होती है? तो
जायज के नाम पर उसने आगे बढ़ा देता है। जायज के नाम पर क्या करता है? आगे बढ़ा देता है और आगे बढ़ाता रहता है। इसमें गफलत, उसमें सुस्ती, इसमें गफलत, उसमें सुस्ती, और फिर धीरे धीरे तो जायज काम में ऐसे लगाता है कि आदमी जायज सुनकर मुतमईन रहता है। जायज काम कर रहा हूं, नाजायज थोड़ी ना कर रहा हूं। जायज ही तो है, इसमें कौन सी बुरी बात? नाजायज करता तो इतराज कर सकता है कोई आदमी, तो जायज से उसको फिर ऊपर की तरफ लेकर के जाता है। अगर इसमें भी कामयाब नहीं होता है कि नहीं ये आदमी समझता है शैतान की, अगर ये आदमी जान रहा है कि नहीं जायज जरूरत की हद तक ही इस्तेमाल कर, एकदाल से आगे नहीं जाना है, मीडियम रहना है, सद्दीदू वकारीबू तजावुज नहीं करना है, बहुत ज्यादा इंसान टाइट खा ले तो फिर नमाज से सुस्ती, फजर की नमाज आए है कि? तो अब शैतान क्या करता है, और नीचे उतरता है, अफजल और गैर अफजल, अफजल और गैर अफजल। एक चीज जायज है और एक चीज उससे अफजल है, एक चीज जायज है और एक चीज उससे अफजल है। अब एक मोमिन जो होता है वो अफजल की तलाश में रहता है, आला से आला काम की तलाश में रहता है। क्यों कम दर्जा, दर्जा कम क्यों? मिसाल के तौर पर एक मिसाल यही ले ले, जैसा कि तरावी का मसला है, उलमा की तादाद क्या कह रही है हरमैन शरीफ के माहौल में, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तो भी नहीं है, वहां भी 10 रकात तरावी, 13 रकात हो रही है तरावी, तरावी और फित्र के साथ में। लेकिन जो 20 रकात का मसला जो चल रहा था, सऊदीया के उलमा बहुत सारे क्या कहते हैं भाई जायज है 20 रकात, 8 से ज्यादा पढ़ना क्या है जायज है, लेकिन अफजल बहरहाल क्या है, अफजल 8 रकात। क्यों? इसलिए कि अमले रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अमले रसूल से अफजल कोई कैसे हो सकता है? जायज कह सकते हैं कि कोई पढ़ ले, अगर 8 से 10 पढ़े, 12 पढ़े, 14 पढ़े, 20 पढ़े, 18 पढ़े, कोई बात नहीं, जायज ऐसे उलमा कहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई अफजल अगर 8 है तो क्यों 20 पढ़े, तब जायज पे क्यों अमल करें, अफजल पे क्यों ना अमल करें? ये टखना है, अमल की मिसाल आप ले लें, जैसे भी टखना खोलना है, टखना टखना ढांकना हराम है, मर्द के लिए टखना छुपाना कपड़े से, इजार से, मुंगी धोती किसी भी चीज से छुपाना उसको हराम है, और टखने से ऊपर ऊपर रखना क्या है जायज है, और आधी पिंडी तक रखना क्या है अफजल है, यहां तक रखना क्या है अफजल है, और टखने से ऊपर ऊपर रखना जायज है, और टखने को ढांक लेना हराम है। अब आदमी कहेगा हम सब लोग जायज पर ही अमल कर रहे हैं, है कि नहीं? तब आधी पिंडी तक तो बहरहाल नादिर कोई मिलता है, अल्लाह का बंदा, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन रब्बिल आलमीन। अब शैतान कहता है कि भाई ठीक, कोई बात नहीं, अफजल है ठीक है, लेकिन जायज भी तो है ना, नीचे अगर आप करोगे तो हराम तक मत जाओ, लेकिन जहां तक जायज है वहां तक इस्तेमाल करो। तो आदमी को अफजल से हटाने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे जब इंसान के जहन से अफजल की हैसियत जब कम होना शुरू हो जाती है, तो धीरे धीरे वो जायज से भी आगे बढ़ना शुरू कर देता है, नाजायज की तरफ भी आता है, सगीरा की तरफ भी आता है, फिर कबीरा की तरफ भी आता है, फिर बिदअत और शिर्क पर पहुंच जाता है। इब्ने कय्यिम कहते हैं ये 7 घाटियां, 6 घाटियां होंगी इसमें तलाश करता है, 7वीं घाटी ये है कि अगर इन सब में कहीं कामयाब नहीं होता है तो युसल्लितु जुन्दहु अलैहि, तो अपनी फौज को, अपने लश्कर को मुसल्लत कर देता है कि लगे रहे, इसकी सुबह, इसकी शाम, इसकी दोपहर, इसका हर घंटा, इसका हर मिनट, इसका चलना फिरना दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, क्लास में, ऑफिस, हर जगह इसके पीछे लगे, जहां कोई मौका मिले गुमराह करने का छोड़ना नहीं। इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपने मदारिज सालिकीन के अंदर लिखा है, और आप ट्राई करके देखिए, इंसानी जिंदगी में आपको बहुत सारी मिसाल दोस्त अहबाब के बीच मिल जाएगी, आप कहेंगे यार पहले तो ऐसा नहीं था, मैं दिन ब दिन उसको बिगड़ता हुआ देख रहा हूं, लेकिन तो ये चीज होती है। खैर ये बात पता नहीं कहां से बीच में आ गई, इस तरफ चले गए फितनों की बात। तो शैतान जो है ना, शैतान इस तरह से इंसान को फितने में मुबतला करता है। तो बहरहाल फितने बहुत सारे हैं, फितने बहुत सारे हैं, कई तरह के हैं, और मुख्तलिफ पहलुओं के ईमान में, अकीदे में। मैं ये बात कर रहा था कि आदमी को शैतान अगर ये कोई कहता है कि भाई तुम्हारे मरीज ठीक नहीं हो रहा है, तुम सब करा चुके, एक बार फला बाबा के पास जाकर के देख, आप लोग नहीं मानते हो नदीस को, लेकिन हम ट्राई कर चुके हैं, हम लोग बहरहाल यकीन रखते हैं बाबाओं में, मजारों में, कहने वाला आपको कहता है ऐसे, एक बार ट्राई करके देख लो क्या बिगड़ता है। अब आदमी सोचता है यार कि थक गया हूं इलाज करा करके, थक गया हूं रुदिया करके, थक गया हूं दुआ अस्कार करके, आगे जाना तो नहीं चाहिए, यकीन है ना अल्लाह तबारक व तआला पे, शिफा जरूरी थोड़ी ना कि मिले, ये भी तो जरूरी नहीं कि शिफा मिले ही, इस पर भी तो ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आसानी परेशानी जो लिखी है उसे मोमिन को बर्दाश्त करना ही करना है।
अगर अल्लाह ने शिफा नहीं लिखी तो सब्र करना ईमान है, बर्दाश्त करना अल्लाह तबारक तआला के लिए फैसला, ये फैसला अल्लाह के हवाले कर देना और अल्लाह ताला के फैसले पर राजी होना ईमान है। तो ये हम क्यों तय करके बैठे हैं, ठीक होना ही चाहिए। अब हलाल से नहीं ठीक हुआ तो हराम की तरफ भी जाने के लिए इंसान ललचाता है। अपनी आंखों से हमने देखा है, कानों से सुना है, एक से ज्यादा वाकया बाकायदा लोग चले गए अपने घरों में, बुला भी लिया ऐसे लोगों को जो वही फिर उसके बाद वो काली मिर्च लेकर के आओ तो ये तेल लेकर के आओ तो रात के 12 बजे कब्र के पास जाओ, उसका धागा लेकर के आओ तो उसके बाल लेकर के आओ, उसके बनियाइन का धागा लाओ, उसके चड्डी का धागा लेकर के आओ, ये सारे काम करना शुरू कर देते हैं इंसान। ईमान का कितना है कि नहीं कितना है ईमान का। तो मसला ये है कि आखिर क्या करें कि हम सिर्फ उसी तक उसी पर इत्तेफा करेंगे जहां तक गुंजाइश शरीर के अंदर, उसके आगे नहीं जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, खैर बात लंबी हो जाएगी, हम इंशाल्लाह इसके जिम्न में जब जो असबाब बयान गुफ्तगू करेंगे उसमें इंशाल्लाह बातें आए। क्या करें? सबसे पहले इन फितनों से अपने आप को बचाकर, फितनों के इस दौर में दीन पर साबित कदम रहने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें अपने ईमान को एकदम खालिस और सच्चा करना जरूरी है। ईमान का ही मसला बड़ा पेचीदा है। ईमान कमजोर है मेरे भाइयों, मानो या ना मानो ईमान कमजोर है। ईमान कमजोर, इसमें कोई शक नहीं है कि ईमान कमजोर है, ईमान में खलल, ईमान में कमी है। और जब तक ये कमी दूर नहीं होगी तब तक फितनों से हम बच भी नहीं पाएंगे। जरूरी ईमान परफेक्ट होना चाहिए। आपको याद होगा, मैं पूरे बहुत पुरानी सीरत के वाक्य में आपको इशारा करता हूं, आपको समझेंगे किस तरह से वो लफ्ज कितना कीमती है। सही बुखारी की लंबी रिवायत है, तफसीली रिवायत, उसके अंदर यह है। अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु जो उस वक्त मोमिन नहीं थे, मुसलमान नहीं थे और मुसलमानों के सख्त खिलाफ थे, इस्लाम के सख्त खिलाफ थे, उसको रूम गए हुए थे, हिराकल से मुलाकात हुई थी एक सफर के दौरान, हिराकल से मुलाकात हुई थी। उस वक्त जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा धीरे 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 फैल रहा था और ये तो मालूम था उन लोगों को, यहूदियों को, ईसाइयों को कि नबी आने वाला है, तो कुछ बशारतें मालूम थी। बहरहाल तो उसने अपनी मालूमात के मुताबिक अबू सुफियान से एक इंटरव्यू तरह की तरह की बात की और उसने एक सवाल, बहुत सारे सवाल आपने से एक सवाल ये किया और अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाने के बाद ये पूरा वाकया बयान किया जो सही बुखारी के अंदर मौजूद है। रावी कहते हैं कि अबू सुफियान बयान कर रहे थे कि जब मेरी मुलाकात हिरकल अजीम रूम से हुई तो उसने मुझे सवाल, बहुत सारे सवाल किए, उसमें से एक सवाल उसने भी किया था कि वो जो नबी तुम्हारे यहां आया हुआ है, जो लोग उसकी बात मान लेते हैं, क्या मान लेने के बाद कभी छोड़ के मुर्तद भी हो जाते? तो अबू सुफियान कहते हैं कि बहुत कुछ झूठ बोल सकता था मैं, लेकिन नहीं बोला मैंने, झूठ बोल सकता था लेकिन मैंने नहीं बोला। मैंने क्या झूठ बोलूं? मैंने कहा कि नहीं, जो एक बार उसकी बात मान लेता है, जो उस पर कल ईमान ले आता है, कलमा पढ़ लेता है, वो वापस मुर्तद नहीं होता है। एक सवाल और क्या उसने, अच्छा ये बताओ कि जो लोग उसको मान रहे हैं तो 2, 4, 6, 10, 20 मानने वालों ने मान लिया है, अब उसी पर स्टॉप हो गया है या और बढ़ रहे हैं लोग? यानी आए दिन आज 2 लोग, कल 2 लोग, 10 लोग, 20 लोग, हल यजीदून अम यनकुसून, मानने वाले बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? कहने लगे मैं इस वक्त सोचा कि अब झूठ बोल दूं, क्योंकि अगर बताऊं सही कि नहीं बढ़ रहे हैं तब तो फिर मतलब बात दूसरी हो जाएगी, मैं उसको कंडम करना चाहता हूं और ये बोलने से कंडम नहीं होगा, बात बढ़ जाएगी, उसका मकाम बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने ये सोच, ये इसके बावजूद भी मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कहा नहीं कम तो नहीं हो रहे, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन रोज बरोज मोहम्मद पर ईमान लाने वाले बढ़ रहे हैं। खैर, 2 सवाल इस हमें समझना है कि ईमान लाने वाले बढ़ रहे हैं कम नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज, जो पहला सवाल था उसमें क्या था कि क्या हल यर्तद्दु अहदुहुम सुख्ततन लिदीनिही, क्या ईमान लाने वाला आदमी, मोहम्मद को मान लेने वाला आदमी कभी उसके दीन से बर्दश्ता होकर, नाराज होकर छोड़ भी देता है, मुर्तद भी हो जाता है? तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता। जो एक बार उसकी बात सुन लेता है वो गिरविदा हो जाता है, दीवाना हो जाता है, फिर वो उसका माल चला जाए, उसकी जान चली जाए, उसकी औलाद चली जाए, उसकी इज्जत चली जाए, उसका स्टेटस चला जाए, वो कुछ भी हालत उसकी हो जाए लेकिन वो मुर्तद होने को तैयार नहीं होता। उस वक्त एक जुमला अजीम रूम ने कहा था, हिराकल ने, उसने क्या कहा था,
وكذلك الايمان اذا خالطت بشاشته بشاشه القلب. ایمان کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کی بشاشت، اگر اس کی شیریں، اس کی مٹھاس کسی دل میں اتر جاتی ہے تو پھر کبھی بھی اس دل سے نکلتی نہیں ہے. اس کو دیکھو، آپ اس جملے پر غور کرو کہ یہ کون کہہ رہا ہے، یہ عظیم ہرقل کہہ رہا ہے. یہی معاملہ ایمان کا ہوتا ہے، ایمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے. اگر وہ ایمان دل کی گہرائی میں اتر گیا ہے تو پھر کسی بھی صورت میں آدمی اس سے دور تک نہیں ہو سکتا ہے. آپ سوچیں کہ کیا ایسا موقع نہیں آتا ہے کہ کوئی بڑا ڈیل کا ٹائم آ جائے، ڈیل کوئی کاروبار ہو، کوئی زمین کی خریداری ہو، کوئی بلڈنگ کچھ بھی ہو، اور اس میں کچھ معاملہ غلط ہو، پیپر ورک غلط ہو، کچھ خیانت کا مسئلہ ہو، اس میں پڑھنا صحیح نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو ایسی لالچ لگے کہ یار ہے تو ڈیل غلط لیکن ایک جھٹکے میں لمبا انکم ہو جائے گا، تو آپ بتائیے انسان مائل ہوتا ہے کہ نہیں مائل ہوتا اس کی طرف. ایک طرف اس کے دل میں ہاں ہے کہ یار غلط ہے، یہ حرام ہے، اس میں پڑھنا صحیح نہیں ہے، لیکن مال کی لالچ کو کہاں لے کر کے جا رہی ہے، لے جا رہی ہے. یہ بتاؤ اگر ایمان ہوتا تو لے جاتی ہے؟ نہیں لے جاتی. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے چھپانا چاہتے ہیں ہم. ایڈوکیٹ غلط پیپر بنا دے گا، رشوت لے کر کے جج کو ہی فیصلہ کر دے گا، یہی ہوگا نا، اللہ کی نگاہ سے کیسے بچیں گے ہم؟ یہی ایمان ہے. یہی کیا ہے؟ ایمان. سچا ایمان یہی ہوتا ہے، یہی سچا ایمان. جب تک اتنا مضبوطی ہے میں اور آپ اپنے ایمان میں پیدا نہیں کریں گے، تب تک دنیا کے فتنوں سے نہیں بچ پائیں گے. یہاں حرام کر بیٹھیں گے، یہاں دو نمبر کھا لیں گے، یہاں حرام سود دے دیں گے، یہاں رشوت دے دیں گے، یہاں مال کی لالچ میں دین کو بیچ دیں گے. بڑا خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائی، بہت خطرناک مسئلہ ہے. آپ سوچئے، خیر میں صحابہ کرام صرف بہت لمبی لمبی باتیں ہیں، اس میں اگر ایک واقعہ بھی چھڑیں گے تو بہت وقت چلا جائے. ایمان بہت اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت آپ دیکھیے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ابن خدیمہ کے اندر غالباً یہ روایت، اور بھی کتابوں کے اندر ہے، صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے، ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، مطلب گھوڑے کا سودا کیا. گھوڑا بیچ رہا تھا کہیں کھڑے ہو کر کے، رسی ہاتھ میں لیے ہوئے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کر لیا، سودا کر لیا. کتنے میں سودا؟ اتنے اتنے میں سودا ہوگا، ٹھیک ہے، پیسہ دیجئے. پیسہ، یہ میرا گھر ہے، میرے جیب میں پیسے نہیں، میں گھر سے پیسے لا کر کے تم کو دے دیتا ہوں. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی آگے آگے جا رہے ہیں گھر پیسہ لینے کے لیے، اور پیچھے پیچھے وہ آرابی بھی دھیرے دھیرے چل کر کے آ رہا ہے. راستے میں اس آرابی کو گھوڑا جو بیچ رہا تھا اس کو کوئی دوسرا خریدار مل گیا. کیا مل گیا اس کو؟ دوسرا خریدار مل گیا. بھائی یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ اب اللہ کے نبی مثال کے طور پر 300 دینار میں سودا کیا ہو، 300 درہم میں سودا کیا ہو. اس نے کہا کہ 400 دینار میں، 500 دینار میں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں. 300 میں سودا کر چکا ہے، معاملہ ختم ہو چکا، پیسہ لانے کے لیے اللہ کے نبی گئے ہوئے ہیں. بیچ میں 500 روپے میں، 500 درہم میں کوئی سودا کر رہا ہے مثال کے طور پر، اور اس آرابی نے کیا کر لیا، اسے سودا کر دیا. وہی گھوڑا جو نبی کو بیچ چکا تھا، اس گھوڑے کو زیادہ مال کے لالچ میں کیا کر دیا، دوسرے آدمی کو بیچ دیا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ لے کر کے جلدی جلدی آ گئے، یہ لو بھائی اپنا پیسہ. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے سودا کر لیا زیادہ پیسے میں، یہی سے آواز لگا، اے محمد سن لو میں نے گھوڑا بیچ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محل پہنچے، بھائی یہ دیکھیے پیسہ آپ کا، گھوڑا میرا دے دیا. نہیں نہیں آپ کون ہیں؟ ارے ابھی تو نے گھوڑے کا سودا کیا تم سے 300 روپے میں، 300 درہم میں، تو پیسہ لانے. نہیں نہیں میں نہیں پہچانتا، آپ کون؟ آپ سے کوئی سودا نہیں ہوا، آپ سے ہمارا کوئی سودا نہیں، آپ ہیں کون؟ ارے بھائی ابھی سودا کیا آپ سے، ابھی پیسہ لینے کے لیے گیا تھا، تم کہہ دو گی سودا ہی نہیں ہوا. اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. آدمی نے کیا کہا، اس دیہاتی نے کہا، اچھا ٹھیک آپ نہیں مان رہے، بار بار کہہ رہے ہیں کبھی ابھی ابھی سودا ابھی سودا ہوا، اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو گواہ پیش کر دیجیے کہ آپ سے سودا ہم نے کیا ہے. سودا کرنے کے ٹائم نہ کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں، دینے والا دینے والے کے سب کوئی موجود نہیں تھا، تو گواہی کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ عجیب ایمان کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جہاں تک رہی بات گواہی کی، تو اب ہمارے آپ کے سودے کے بیچ میں جب کوئی تھا نہیں تو میں کس کو گواہ پیش کر دوں، لیکن سچ بول رہا ہوں، آپ کیسے انکار کر رہے ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا.
इतने में खुज़ैमा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए। बात जो चल रही थी अल्लाह के नबी और देहाती के बीच में सुन लिया, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे घोड़े का सौदा किया है। अब अल्लाह के नबी ने देहाती को छोड़ा, खुज़ैमा की तरफ मुतवज्जह, अरे आप किसी को नहीं दे सकते, आप तो दे, आप कैसे गवाही दे सकते हैं, आप तो थे ही नहीं, खुज़ैमा कैसे गवाही दे रहे हो, तुम थे सौदे के टाइम। अल्लाह की कसम मैं आपको आसमान की खबर के बारे में सच्चा मानता हूं, तो आप एक झोड़े में घोड़े के मामले में झूठ कैसे बोल सकते हैं। उसद्दिकू कफी खबर समा, मैं आपको सच्चा मानता हूं कि आप कहते हैं अल्लाह की तरफ से वही आई, अल्लाह की तरफ से हलाल आया, अल्लाह की तरफ से हराम आया, अल्लाह ने वाजिब किया, अल्लाह ने मना किया, मैं आपको आसमान की खबरों के बारे में आपको सच्चा मानता हूं, तो आप एक घोड़ा हकीर चीज के बारे में अल्लाह की खबर के मुकाबले में घोड़े की क्या हैसियत है, आपको मैं कैसे कह सकता हूं, मान सकता हूं कि आप झूठ बोलते हैं। मेरा ईमान है कि नबी सच बोलता है, यार भी झूठ बोलता है। अच्छा, गवाही भी दो लगती है, ये भी मसला है, गवाही दो लगती है किसी मामले में, अगर आपको कोई डील तय करना है तो गवाह कितने लगेंगे, तो मैं समझता हूं आज भी कानून में दो गवाह है शायद, लेकिन अल्लाह के नबी के दीन के अंदर भी दो गवाह है। उसी दिन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खास बात है, उसी दिन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुज़ैमा बिन साबित जो सहाबी जिन्होंने गवाही दी थी, उन अकेले की गवाही को दो गवाही के बराबर बना दिया। आज की तारीख से किसी भी मसले में दो गवाह लगेंगे, अगर खुज़ैमा होंगे तो अकेले की गवाही दो के बराबर होगी। ऐसा ही ईमान चाहिए। ईमान देखो, ईमान आदमी ये जुर्रत कर सकता है, नहीं कर सकता, बहुत मजबूत ईमान की जरूरत है। और बहरहाल हुज़ैफा अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा ज़ामी, मैं क्या इशारा करता हूं ईमान कितना मजबूत, और यही सबकी जड़ है। जितने असबाब आगे बयान करूंगा मैं कि इस असबाब इसकी वजह से आप साबित कदम रहेंगे, इसकी सब चलेंगे, इसकी वजह से, वो सब ईमान के अंदर की चीजें हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा तफसील कर लेते हैं। इसमें आखिरी बात है, अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा ज़ामी रजी अल्लाह तआला अन्हु को उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में किसी मुहिम पर भेज दिया। बड़ी लंबी आजमाइश हुई, लंबी दास्तान है। बहरहाल हुआ ये कि वो दुश्मन के कैद में आ गए, अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा दुश्मन के कैद में आ गए, दुश्मनों ने पकड़ लिया उनको, कैदी बना लिया, उनके हाथ में आ गए, जो चाहे करें। बहरहाल पूरी तफसील रिवायत हाफिज़ इब्न हज़र रहमतुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर अल-इस्तियाब में लिखा है, अल-इसाबा में लिखा है, सीरत सहाबा की जो मुस्तनद किताबें हैं पुरानी, उन सब किताबों के अंदर ही पूरा वाकया सीरत का मौजूद है। मेरे भाइयों, मैं आपको वाकया बताऊं, उसके अंदर जो खास नुक्ता है वो ये है कि जिन लोगों ने पकड़ा वो लेकर के अपने बादशाह के पास गए। किसके पास गए? अपने बादशाह के पास। ये तो रियाया थी ना, जो फौजी आए लेकर गए बादशाह के पास, और बादशाह के सामने अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को पेश किया और कहा कि ये मोहम्मद के साथियों में से है जो पकड़ में आ गया हमारे, ये मोहम्मद के साथियों में से जो हमारी पकड़ में आ गया है। अच्छा, अब बादशाह ने सोचा कि अच्छा मौका है, और वो कमांडर थे, उमर बिन खत्ताब ने कमांडर बना करके भेजा। तो बादशाह ने उससे कहा कि मैं तुमको अपनी आधी बादशाहत देता हूं, तुम मोहम्मद का कुफर कर दो, और पूरी ममलकत की सबसे जो ज्यादा ऊंचे स्टेटस की लड़की होगी उसे तुम्हारा निकाह भी कर दूंगा, माल भी बादशाहत की हालत में, बादशाहत की शक्ल में, और इंसान को शहवत चाहिए तो सबसे अच्छी लड़की, दौलतमंद लड़की शादी कर। ये लालच दिया किसने? बादशाह ने सोचा कि वो आसानी से तस्लीम कर लेगा। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा ने क्या कहा? और ऐसा नहीं कि इसे आजाद थे, हाथ में जंजीरें थी, पैरों में बेड़ियां थी, और सब हथियार लेके चारों तरफ खड़े थे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अगर तू अपनी पूरी बादशाहत मेरे हवाले कर देगा और सारे अरब की बादशाहत मेरे हवाले कर देगा, तब भी मैं मोहम्मद के ईमान से एक बाल के बराबर भी नहीं हटूंगा। इतना ईमान होगा तब तो आदमी मामूली सी लालच में फिर जाता है, मेरा ईमान क्या है, आपका ईमान क्या है, कितना खतरनाक मसला है। सहाबी किराम कहते हैं कि अल्लाह के नबी के सामने जब रहते थे आप जन्नत की बातें जहन्नम की बातें सुनाते थे तो हमारा दिल ऐसे लगता जैसे हम मतलब उड़ रहे हैं, और हमारा बस अल्लाह ही अल्लाह, जन्नत ही जन्नत, आखरत ही आखरत, दुनिया नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, असबाब नहीं चाहिए, ऐसा हो जाता था जब जन्नत बयान करते, जहन्नम बयान करते, तो ऐसा लगता। लेकिन जब अल्लाह के नबी के बंदे से बाहर निकलते हम लोग, घर में पहुंचते,
बच्चे हैं, बीवी है, तो खेती है, तो कारोबार है, तो फंस जाते हैं उसके अंदर, है ना। बाल बच्चे बीवी सब चक्कर में कहीं ना कहीं वो कैफियत जो ईमान के अल्लाह के नबी के मजलिस में रहती थी वो बाहर निकलने के बाद नहीं रह जाती। आप सोचिए सहाबा किराम के बारे में बात हो रही, और सहाबा इसको क्या समझते थे, मतलब सहाबा इसको मुनाफिक समझते थे। हजरत हंजला, वो हंजला नहीं जो गज़वे उहद में शहीद हुए, हंजला उसहैली है, दूसरे सहाबी। हंजला से अबू बकर सिद्दीक की मुलाकात हो गई तो कहा भाई हंजला क्या हाल है। दोपहर का टाइम था, दोपहर की नमाज के बाद का वक्त था, 2-3 बजे समझ लें आप। हुज़ैफ़ा, हंजला क्या हाल है, माँ बाबू का या हंजला, हंजला क्या हाल है तुम्हारा। कहा मत पूछो फी हंजला नाफ़का हंजला, हंजला के बारे में क्या पूछते हो, हंजला तो मुनाफिक हो चुका है। मगर हैरान की कौन सा गुनाह कर दिया, क्या कर दिया कि मुनाफ़क़त करे, मुनाफिक हो गया। बहुत परेशान हुई, बताया अच्छा क्यों ऐसा कहते हो, क्यों मुनाफ़क़त की बात करते हो, मुनाफिक यही बात लगता है। कहा यार क्या ईमान है हमारा, अल्लाह के नबी की मजलिस में रहते हैं तो जन्नत जहन्नम की बातें सुन करके बस दुनिया से एकदम ताल्लुक खत्म हो जाता है, अल्लाह की याद आती है, आखिरत की, जन्नत की परवाह हो जाती है, और जैसे अल्लाह के नबी की मजलिस से निकल बाल बच्चों में आते हैं, है ना, खेती बाड़ी में आते हैं, कारोबार में आते हैं, या और भी मजदूरी मेहनत में करने के आते हैं, तो उधर दिल लग जाता है, ये तो मुनाफ़क़त हो गई, वहां ईमान ऐसा बाहर निकले तो ईमान कमजोर। तो अबू बकर सिद्दीक समझ गए कि ये इतना गहरा ईमान समझाना जरूरी, इसको मुनाफ़क़त नहीं कहते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास दोनों चलते चलते आए, सही मुस्लिम की रिवायत में है, दोनों चलकर के आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास, और आपसे आकर के फरमाया अल्लाह के नबी ऐसे ऐसे मुलाकात हुई, मैंने पूछा क्या हाल है, तो कहा कि मुनाफिक हो गया। पूछा क्यों मुनाफिक हो गए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह जवाब, अल्लाह के नबी इन्होंने ये जवाब दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सब उनको समझाया, आपने फरमाया या हंजला, हंजला देखो, हंजला देखो, लौ अन्नकुम, ये देखिए, लौ अन्नकुम तदूमून कमा तकूनून इंदी लफाफहतकुम अलमलाइकतु फी तुरुकिकुम व अंतुम फी फुरूजिकुम वलकिन साअतन व साअतन या हंजला। अल्लाह के नबी ने फरमाया साथियों जिस तरह तुम मेरी मजलिस में होते हो, जो कैफियत, जो ईमान का आला दर्जा तुमको मेरी मजलिस में हासिल होता है, अगर वही कैफियत तुम्हारी मजलिस से बाहर भी हासिल रहती, वही ईमान रहता इतना ऊंचा, तो फरिश्ते चल चल के रास्तों में तुमको मुसाफा करते, तुम अपने बिस्तरों पर लेटे बैठे होते, वहां पहुंच करके साथ पर फरिश्ते तुमसे मुसाफा करते। कभी वो कैफियत रहती है, कभी कैफियत ऐसी हो जाती है, कभी कैफियत वैसी होती है, आला होती है, और कभी कम हो जाती है। तो इसको मुनाफ़क़त नहीं कहते, कहने मतलब कि सहाबा का ईमान देखो कितना फिकर, इसको मुनाफ़क़त कहते थे वो। हमारा क्या हाल हो, हम तो इधर से सुनते हैं, इधर से सीधे बात कर देते। मेरे भाइयों आप सोचिए कि ईमान की एक बात, एक लफ्ज़, बहुत सारी वाक़ियात, एक लफ्ज़ आयत करीम का एक टुकड़ा सुन करके आदमी कुफर से तौबा कर लेता था, कुफर से तौबा कर लेता था, बरसों का अकीदा बाप दादा का एक जुमले से, ये हालत थी। बहरहाल मेरे भाइयों ईमान तो सच्चा ईमान, खालिस ईमान, एकदम खरा ईमान बनाने की जरूरत है, और अब ये भी इसके लिए असबाब है कि खरा ईमान, खालिस ईमान आदमी कैसे पैदा करे। उसके असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब क्या है, कुरान करीम से गहरा रिश्ता कायम करना, कुरान करीम से गहरा रिश्ता, रिवायती अंदाज का रिश्ता नहीं, खुद गर्जाना रिश्ता नहीं, सीजन और मौसम का रिश्ता नहीं, बल्कि कुरान करीम से ऐसा रिश्ता जैसे हम किसी फेवरेट ऑथर की किताब से ऐसे जुड़ जाते हैं। नावेल लोग पढ़ते हैं ना, नावेल, जिन नावेल निगारों से उनके उनको ज्यादा दिलचस्पी होती है ना, उनकी कोई नावेल नहीं छोड़ते हैं, एक एक नावेल को 10-10, 20-20 बार पढ़ते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ करके खत्म करते हैं। और अल्लाह की किताब की हैसियत कितनी है, तो जिससे जितना लगाव होगा उतना ही तो असर आएगा जिंदगी में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बयान बयान करके फिर अगले नुक्ते की तरफ जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम के बारे में आपने फरमाया इन्नल ईमान लयखलकु फी जौफि अहदिकुम कमा यखलकु सौ। कुरान करीम से रिश्ता कितना मजबूत होना चाहिए यह समझने की जरूरत है, बस यही हदीस बयान करने का मकसद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ईमान तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे अंदर
ऐसे ही पुराना हो जाता है जैसे तुम्हारा कपड़ा पुराना हो जाता है। जैसे ईमान, जैसे तुम्हारा कपड़ा पुराना होता है वैसे ही तुम्हारे दिल के अंदर ईमान क्या होता है, पोसीदा हो जाता है, घिस पिट जाता है, पुराना हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक बहुत बेहतरीन तरीका बता दिया, ईमान को पुराना होने के बाद ताजा कैसे करें, उसको तजदीद कैसे करें, रिन्यू कैसे करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फतलुल कुरान फतरुल कुरान युजद्दिदुल ईमान फी कुलूबिकुम। ए ईमान वालों, ए मेरे साथियों, इस ईमान जो पुराना हो जाता है अंदर, इसको नया करने के लिए कुरान करीम की तिलावत करते रहा करो, उसके मानी में गौर तदब्बुर करते रहा करो, ये कुरान का पढ़ना उसमें तदब्बुर करना तुम्हारे अंदर के ईमान को रिन्यू कर देगा, ताजा कर देगा, तजदीद हो जाएगी ईमान की, ईमान नया हो जाए। तो ईमान अल्लाह करे खुद पर ईमान क्या होता है, धीरे धीरे पूरा हो जाता है। आप उसकी एक मिसाल को समझें कि आप बराबर, हम आप मुसलसल दीन की मजलिसों में बैठते हैं, कुरान की आयतों के तर्जमे, उसके मान भी हम लोग बातें कर रहे हैं, है ना, हदीसें सुन रहे हैं, सारे कराम की सीरत सुन रहे हैं, तो ऐसा ईमान दिल की कैसे बदल रही है, बदल रही है, बदल रही कंटिन्यू। कल भी सुनेंगे तो रिन्यू ताजा रहेगा, परसों भी सुनेंगे ताजा रहेगा, दिन में दो बार सुनेंगे ताजा रहेगा, चाहे यहां ना सुने पढ़ लें कहीं तब भी ताजा रहेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर एक हफ्ते तक ना ऐसा हो तो धीरे धीरे लोगों का क्या होगा, कैसे दिल, एक महीने तक अगर ना दिन की मजलिसों में ना बैठे तो क्या होगा, साल हर साल ना बैठे, कभी अगर दिन की मजलिसों में ना बैठे तो क्या होगा, दिन का आलम, ईमान का क्या हाल होगा। अगर कुरान की तिलावत से, कुरान से दूरी थोड़ी सी हो जाए तो ईमान क्या होता है, पोसीदा हो जाता है, पुराना हो जाता है। अगर कुरान भी पढ़ता ही नहीं, दिन की मजलिसों में आता ही नहीं है, तो आप पता है इसके ईमान का क्या हाल होगा। तो एक झटके में सूद की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, वो हल्की सी लालच आएगी, निगाह उठाएगा, बदकारी की तरफ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, ये सारे मसले पैदा होंगे। तो कहने का मतलब ये है, खैर हम लोग एक नुक्ते पर रह गए और ये बुनियादी नुक्ता है, सिर्फ मैं आगे से जिक्र करता हूं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। हमें दीन पर साबित कदम रहने के लिए हमेशा कुरान होगा, कुरान के साथ सुन्नत लाजिम है, अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान के बगैर सुन्नत नहीं, सुन्नत के बगैर कुरान की लाजिम मलज़ूम है एकदम। उसके बाद सहाबे किराम की सीरत और उनका तरीका, सहाबे किराम की सीरत और उनका तरीका, अगर हम पढ़ेंगे ना सहाबे किराम की जिंदगी, ईमान हमेशा ताजा रहे। आप सोचिए वो ईमान कैसा था कि पूरी बादशाहत देने को तैयार हो जाए, लेकिन मैं मोहम्मद पर ईमान लाने से कभी हट नहीं सकता, ऐसे हम पढ़ेंगे तो ईमान में मजबूती आएगी। कहीं लालच आएगी, अगर शैतान लालच कर देगा तो ईमान रोक देगा हमको, तो हम साबित खत्म रहेंगे अल्लाह के दीन पर, यह उसके उसूल में से। ऐसे ही मेरे भाइयों, अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत से बहुत गहरा रिश्ता होना चाहिए। अंबिया की सीरत कहां मिलेगी, कुरान करीम के अंदर। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल आपको बता दूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितनी आजमाइश, कितना बड़ा बड़ा फितना आया, आग में डाले जाने का फितना आया कि नहीं आया, उसको जेर किया कि नहीं जेर किया, कैसे जेर किया। हम पढ़ेंगे इब्राहिम का वाक्य तो उनको मालूम पड़ेगा अलैहिस्सलाम, आग में हुकूमत पूरी तन्हा एक जान के खिलाफ खड़ी है, सब कुछ तभी इब्राहिम को आग का अलाव लगाओ जलाओ और डाल दो। कैसा ईमान था, कैसा, कौन सा ईमान रहा होगा जो चल करके इंसान को लेकर के गया आग में, तैयार मेंजनी पर बात करके डाल दिया गया आग के अंदर। और जब इतना ईमान था तो अल्लाह की तरफ से बदला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या ना रुकूनी बंदों को सरा बना रहा इब्राहिम। आग जलाने की ताकत अल्लाह ने दी, जलाने की ताकत छीनने का अख्तियार किसको है, ठंडी कर दिया, सलामती वाली बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम उनकी फौज भाग रही है आगे आगे, पीछे से लश्कर दर्रा फिरौन का आ रहा है कई लाख, और आगे भागे जा रहे हैं, अब आगे आगे अचानक देखा तो समंदर बह रहा है, आगे समंदर और पीछे इंसानों का, दुश्मनों का समंदर, न आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। चीख पड़े इन्ना लमुद्रकून, हम तो पकड़ लिए गए, या मूसा इन्ना लमुद्रकून, ए मूसा अलैहिस्सलाम तो हम गए, अब लश्कर आ गया हमको अपनी लपेट में ले लेगा, यहां तो आगे तो हम जा नहीं सकते। लेकिन ईमान कल्ला, ये देखिए इब्राहिम मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत में, कल्ला इन्ना मई रब्बी सयहदीन, नहीं हरगिज नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि दुश्मन हमको अपने घेरे में ले ले, मेरा रब मेरे साथ है, मुझे जरूर रास्ता दे देगा, मेरा रब मेरे साथ है, मुझे जरूर और बिल्कुल जल्दी रास्ता देगा, अभी रास्ता सयहदीन, बिल्कुल जल्दी दे देगा।
इधर से हुक्म हुआ लाठी मारो, समंदर दो हिस्सों में तकसीम और खुशकी का रास्ता बन गया, निकल गए। समझ रहे हैं, ये है तरीका। बहरहाल मेरे भाई, ये हमारा काम है। तो ऐसे ही हम सालिहीन की सीरत को पढ़ते रहें, इस्लाम के बारे में यकीन रखें कि इस्लाम पर कायम रहेंगे, जितनी भी आजमाइश आए, मुसीबत आए, कितने आए, लेकिन फाइनल अंजाम और कामयाबी इंशाल्लाह तबारक तआला इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए। और साथ साथ आखिरी चीज दुआ करते रहे, अल्लाह हमें फितनों से बचा, अल्लाह हमें आजमाइशों से बचा, अल्लाह हमें दुनिया के फितने, माल के फितने, औलाद के फितने, इन सारे फितनों से बचा। और सबसे बड़ा फितना कौन सा है, आजकल जो गुमराह करने वाले दाई घूम रहे हैं, ये उम्मत के बड़े फितनों में से। अल्लाह के नबी ने फरमाया था फितनतुल मुज़िल्लीन, और ये फितना इतना बड़ा, मैंने क्यों कहा सबसे बड़ा फितना, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि दज्जाल का फितना कितना बड़ा फितना है, कहते एक फितना ऐसा जो दज्जाल के फितने से बड़ा है। कौन सा फितना है, फितनतुल अइम्मतिल मुज़िल्लीन, गुमराह करने वाले पेशवाओं का फितना, हराम को हलाल, जायज को ना जायज, इसको वैसा उसको वैसा, इधर लेके चलाओ अपनी कौम को, इधर गुमराह कर दो, इधर भटका दो, दुनिया की लालच में माल की लालच। बहरहाल मेरे भाई, अल्लाह से दुआ है आखिर में कि आखिरी बात एक और भी है, असल में बहुत अहम निकात थे लेकिन हम इधर उधर चले गए, बहुत वक्त चला गया। अहले इल्म से मजबूत राबता रखें, अहले इल्म के बिल्कुल गिर्द पेश में रहें, इधर उधर बिल्कुल न जाएं। इंसान 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 इंशाल्लाह दोबारा बता लो दीन पर साबित कदम रहेगा। आखिरी चीज सब्र से काम लें, सब्र का दामन हाथ से जाने न दें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें दीन पर साबित कदमी की इस्तेकामत की तौफीक अता फरमाए, इन फितनों के हालात में खास तौर पर अल्लाह तबारक तआला हम सबका हामी हो, नासिर हो। अल्लाह तबारक तआला हमें फितनों का सच्ची ईमान से, सच्ची तौहीद से, सच्ची सुन्नत से मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए, हमें कामयाबी से अमकिनार फरमाए, बसपाई से, शिकस्त से, हार से अल्लाह तआला बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु वसल्लम मुबारक नबी मोहम्मद वअला आलिहि वसहबिह अजमईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। Thank you.